वो प्रधानमंत्री नहीं, पहले आपके परिवार के सदस्य हैं। मंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप भी ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अद्भुत प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। वो प्रधानमंत्री नहीं, पहले आपके परिवार के सदस्य हैं, और उनको सदैव जनता और विशेषकर गरीबों के कल्याण की चिंता रहती है। आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई, गरीबों को पक्के मकान, कोई गरीब कच्चे घर में ना रहे, सबके पास रहने की पक्की छत चाहिए। और गरीब के पक्के मकान का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन्होंने पूरा करना शुरू किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि दो करोड़ 95 लाख पक्के मकान उनने पहले स्वीकृत किए, जिनमें से 2 करोड़ 65 लाख बनकर तैयार हो गए। लेकिन फिर भी कई गरीब रह गए। तो प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, चुनाव के पहले ही, लोकसभा चुनाव के पहले ये घोषणा की थी कि जो बाकी बचे हुए गरीब हैं उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे, कोई कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, हर गरीब भाई बहन को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन 5-5 साल पूरे नहीं होते। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी 3 महीने चुनाव के हुए, पहली कैबिनेट की बैठक में गरीबों की कितनी चिंता है उनको, पहली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया कि 3 करोड़ मकान भारत के गरीबों को और बना के दिए जाएंगे, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में। आज जमशेदपुर की इस पवित्र धरती से मुझे कहती हुए गर्व है, ऐसा कब हुआ है, 3 महीने के अंदर 40 लाख मकान स्वीकृत कर दिए गए और 3 करोड़ मकान के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई, 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा। और मेरे भाई और बहनों, अब कोई गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, हर गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। एक बार ताली बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए।